हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल से ओपन हेयर के लिए हेयर स्टाइल। साड़ी पहन रहे हो, मिडल पार्टी से रखनी है, न्यू नवेली हो, दुल्हन हो और आपके बाल बहुत लंबे भी नहीं है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैनल पे मेरी ब्लॉग वीडियो डेली जाते रहती हैं। सेकंड चैनल का नाम प्रीत तिवारी 2 है तो वहाँ पे भी जरूर जाइए और मेरी ब्लॉग वीडियो देखिए। एंड सिलाई से भी रिलेटेड कुछ जानना हो तो उस चैनल पे आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आपको ब्यूटी टिप्स एंड मेकअप से रिलेटेड सारी चीजें मिल जाएंगी या ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उसमें मैं आपको बना के दूंगी। कल मैंने बताया था कि लिपस्टिक लगाते टाइम लिप्स को छोटा बड़ा या फिर लिपस्टिक का शेप कैसे देते हैं, कैसे आपको कौन सा आउट लाइनर चूज करना चाहिए जब आप लिपस्टिक सेट जो चूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं मिडिल पार्टीशन से बता रही हूँ तो इस तरीके से मैं अपने बालों को रख रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपने क्राउन एरिया पे थोड़ा सा पफ का लुक दूंगी, आपकी मर्जी। अगर आपके ऊपर पफ सूट नहीं करता है तो आप छोड़ सकते हो, बट बना लीजिएगा। सब पफ तो सब पे सूट करता है और साइड पफ मतलब ऊपर से जो बनाना है वो तो सब पे ही सूट करेगा। पहले हम लोग इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टीशन दे देंगे बालों की। ओके, मेरी कॉम नीचे गिर गई, सॉरी। यहाँ से मैंने इस तरीके से बालों को ले लिया है एंड ये बाल हमको डिस्टर्ब ना करे इसके लिए मैं इसको टिक टक क्लिप से सिक्योर कर देंगे। ओके, दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे। अब क्राउन एरिया के हेयर को लेंगे एंड हल्का सा पफ का लुक क्रिएट करेंगे। यहां से इस तरीके से हेयर को ले रही हूं, देन अच्छे से कॉम कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप चाहो तो रबर बैंड लगा सकते हो और चाहो तो नॉर्मली क्लिप लगा सकते हो, लेकिन मुझे रबर बैंड वाला सही लगता है, वो जल्दी ओपन नहीं होता है और ज्यादा क्लिप्स भी नहीं दिखाई देते हैं उसमें। ओके, इसको टाइट कर देंगे, देन इस तरीके से हेयर को खींच के अपना पफ बना सकते हो आप। और थोड़ा सबसे अच्छी बात की रबड़ बैंड लगा के आप इस तरीके से खींचते हो तो मैसी लुक आ जाता है तो और ज्यादा अच्छा लगता है। अब नीचे के हेयर को पकड़ के इस तरीके से टाइट कर देंगे, ये हमारा रबड़ बैंड से पफ बन गया। और ये वाला पफ आप पतले हल्के बालों में भी बना सकते हो रबड़ बैंड के थ्रू। तो अब हम इस साइड के हेयर को ओपन कर रहे हैं और हाफ हेयर ले लेंगे इस तरीके से और हाफ छोड़ देंगे। ओके, अब यहां से हम लोग टू पार्ट्स लेंगे। ओके, इस तरीके से, और इस तरीके से नीचे वाले पार्ट्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नीचे वाले को छोड़ देंगे। अगेन इसी लाइन के अकॉर्डिंग दूसरा लेयर लेंगे और नीचे वाला जो पार्ट हमने छोड़ा था उसके तरह इसको मिक्स करेंगे और अगेन ऊपर की तरफ से ले जाएंगे, फिर नीचे वाला छोड़ देंगे। ऐसे ही करते हुए सारा आपको बना लेना है। थोड़ा थोड़ा यहाँ से आगे से खींच देंगे जिससे कि जो लुक है वो थोड़ा सा पफ का आ जाए। ओके, अब इसको इसी तरीके से ट्विस्ट करते हुए बैक साइड तक लेके जाएंगे जहाँ पे हमने रबर बैंड लगाई थी। ओके, रबर बैंड के ऊपर जस्ट रख के पफ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हुए टिक टक क्लिप से इसको सिक्योर करेंगे। ओके,
बहुत प्यारा लगेगा गाइस अगर आप पार्टी में शादी में ये वाला हेयर स्टाइल बनाते हो तो। फिर से अगेन यहाँ से इस तरीके से हेयर को लिया है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और नीचे वाले पार्ट्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और नीचे वाले को छोड़ देंगे। फिर से सेकंड लेयर लेंगे और जो हमने छोड़ा था उसके साथ में उसको मिक्स करते जाएंगे। ये वाली ट्विस्टिंग की बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि मैम कैसे बनता है ये, नहीं बन पाता है, तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनता है ये ट्विस्टिंग। अब इसको भी पूरा ट्विस्ट कर लेंगे एंड तक। और उसी रबर बैंड के पास ले जाके, सॉरी उसी टिकटैक क्लिप में इसको भी सिक्योर कर देंगे। तो इस साइड का लुक कुछ इस तरीके का है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बनाना है। तो मैं स्किप नहीं कर रही हूं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ से इतना लेयर लिया है, देन इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। फिर से देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा लेयर उठाएंगे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे एंड इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। ये वाला जो लेयर है इसको छोड़ देंगे और जो दूसरा लेयर ले रहे हैं उसके साथ मिक्स करेंगे और फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ऐसे ही करते हुए सारा बनाना है आपको ट्विस्टिंग। एक सेकेंड, वन सेकेंड गाइस, कोई आया है तो एक बार डोर ओपन कर लूं। इस तरीके से बनाना है और सिंपली ट्विस्ट करते जाना है बैक तक, जैसे अभी हमने उस साइड में किया था। ओके, थोड़ा थोड़ा सा जो ट्विस्टिंग हमने की है उसको खींच लेंगे और इस तरीके से रबर बैंड के ऊपर ले जाके इसको भी टिकटक क्लिप की मदद से सिक्योर कर देंगे। ओके, अब सेम इसी तरीके से यहाँ का भी करना है। आई होप कि पूरा क्लियर हो गया हो, अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और देन सिंपल जैसे हमने अभी बनाया था वैसे ही बना लेना है। एक बार में ही बन जाएगा, अगर आप बहुत बिगिनर्स हो, बिल्कुल भी नहीं आता हेयर स्टाइल बनाना, तो दो बार आप ट्राई कर लीजिएगा, पक्का बन जाएगा। इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे रबर बैंड के पास लेके जाएंगे एंड उसी टिकटैक क्लिप में इसको भी सिक्योर कर देंगे। इतने पे भी आप छोड़ सकते हो, बट थोड़ा सा और अच्छा और अट्रैक्टिव लुक चाहिए एंड आपने पार्टी शादी में जाना है तो आप क्या करोगे, जैसे क्लिप दिखती है तो अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा हेयर इस तरीके से उठाना है, देन सिंपल ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग को लूज रखना है, बहुत टाइट नहीं करना है। ओके, अब आपको बस सिंपल क्लिप के चारों तरफ इसको इस तरीके से घुमा देना है। यू पिन से या बॉबी क्लिप से इस तरीके से सिक्योर कर लेना है।
और ये कुछ इस तरीके का लुक आएगा, काफी प्यारा लगेगा, खुले बालों के लिए बेस्ट है, छोटे बालों के लिए भी काफी बेस्ट है ये हेयर स्टाइल। और आप ट्राई कर सकते हैं इसके साथ अपनी ज्वेलरी वगैरह डाल लीजिए, बहुत ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक देगा आपके बालों को। एंड शादी पार्टी फंक्शन के लिए, वेडिंग के लिए आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का हेयर स्टाइल? आई होप कि पसंद आया हो। मैंने तो सिंपल बस हेयर स्टाइल बताया, कोई मेकअप नहीं, इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं डाला है। आप डाल लोगे तो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक आ जाएगा आपके बालों का। एक बार और देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और ये हेयर स्टाइल ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपसे बन पाया नहीं बन पाया। एक से दो बार ट्राई करोगे